और आज आपको बता दीजिए, आज है सावन खीर, तो ऋतु का जो है पहला सावन खीर है, तो घर में एक छोटी सी पूजा भी है। हम लोग के पूर्वज की परंपरा के अनुसार आरावन की अमावस्या को सावन खीर मनाया जाता है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी। स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी अभी आए हुए हैं छत पर, कुछ ही देर पहले बारिश खत्म हुई है और बारिश खत्म होने के बाद जो है मौसम बड़ा ही हरा भरा लग रहा है, अभी आपको दिखाते हैं। तो बारिश खत्म होने के बाद कुछ ऐसा है माहौल, देख सकते हैं कितना हरा भरा हो गया है और छत का देख सकते हैं कैसा है। अभी छत का हाल कुछ ऐसा है इस तरह से, और कुर्सी सब यहाँ सब तो बाहर रहता ही है। बाकी इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले कहना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी जरूर दबा ले ताकि हमारा जब भी कोई भी वीडियो है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाबू छोना मेरा कर रहा है जी, दादी की गोदी में है, दादी है। अभी यहाँ छत पर सभी लोग आ गए हैं जी, अभी हो गया है शाम का वक्त और माँ आई थी संध्या दिखाने के लिए, तो संध्या तो दे दी है माँ यहाँ पर। उसके बाद जिया भी आ गई है यहाँ पर वॉक करने के लिए, बाबा के पास है वो। चलो बढ़िया है, और यहाँ पर जो है इवनिंग वॉक किया जा रहा है, इस मस्त से मौसम का जो है आनंद लिया जा रहा है। बस नीचे थोड़ा सा चिपचिपा है, पानी है पूरा। कोई बात नहीं, लेकिन नज़ारा कितना मस्त है आसपास का। उधर आसमान को देखिए जी, क्या बेहतरीन लग रहा है हमारा आसमान। ओहो बारिश, बाबू को सब समझ में आता है, चार चार पापा के साथ खेल रहा है, सब समझ में आता है, समय कहेगा हूँ। इससे तब तक बात करते रहिए जब तक आपका मुंह दर्द ना हो। बस मुंह जैसे शांत हुआ, दूसरे जगह कोई बात इसका करने लगा, हो जाएगा। कोई भी फोन इस्तेमाल करने लगा बगल में, बस रोना शुरू। अभी चाचा को परेशान कर दिया पूरा घूमने के लिए, और जब ये खुश होता है इसका पैर चलता है। जब हमारी शादी हुई थी, अपने जो दोस्तों से चर्चा करते थे कि भाई साहब अब जो है ना हमारी जिंदगी बदल गई है शादी के बाद, तो जिन दोस्तों की शादी हो गई थी वो कहते थे भाई अभी क्या जिंदगी बदली है, जब जिंदगी में बेबी आ जाएगा ना उसके बाद पता चलेगा जिंदगी क्या होती है। हम कहते थे भाई साहब बेबी आने के बाद ऐसा क्या खास हो जाएगा, लेकिन जब क्रियांश हमारी जिंदगी में आ गया तब पता चल रहा है हाँ जी जिंदगी सच में बेबी आने के बाद काफी बदल जाती है। खास करके आपकी व्यस्तता बढ़ जाती है, आपकी भागा दौड़ी जो है थोड़ी बढ़ जाती है, अपना काम तो रहता है ही, साथ में घर का काम रहता है और बेबी का तो स्पेशल काम रहता है। जब भी ऐसी भागा दौड़ी होती है ऐसे में जी आपके शरीर पर तो अच्छा खासा असर पड़ता है ही, साथ में इसका असर जो है आपके स्किन के ऊपर भी होता है, तो ऐसे में तो स्किन केयर करना काफी ज्यादा जरूरत हो जाता है। तो मैं अपने डेली की स्किन केयर के लिए यूज करता हूँ जी वो स्किन साइंस का अल्टीमेट विटामिन सी रेंज। अब मैं आपको बता देता हूँ जी इसको यूज कैसे करना है। पहला जो प्रोडक्ट मैं यूज करने वाला हूँ जी वह है वो स्किन साइंस ब्राइटनिंग विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश। इसको यूज करना काफी आसान है क्योंकि इसमें लगा हुआ है सिलिकॉन ब्रशेस की वजह से जो है यह आपके स्किन के डर्ट और डलनेस को बाहर निकालने में मदद करता है, साथ ही यह आपके पोर्स को भी अच्छे से क्लीन कर देता है। और आप देख सकते हैं इसके इस्तेमाल करने के बाद मेरी स्किन पर एक नेचुरल और यूथफुल ग्लो आ गया है। हम अगला जो प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं जी वह है वाओ स्किन साइंस 20% विटामिन सी फेस सीरम। इसके अंदर है जी प्योर विटामिन सी विच हेजल हेलोरोनिक एसिड, और यह सीरम जो है आपके स्किन को हाइड्रेट करता है, आपके स्किन को रिपेयर करता है, कोलाजन को बूस्ट करता है और साथ ही आपके फाइन लाइंस को स्मूथ करता है। इसके अलावा यह आपके कॉम्प्लेक्शन को इवन आउट करने में मदद करता है जिससे आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है। तो जी देरी किस बात की, हर एक प्रोडक्ट का लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के आप जो है अपने लिए प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। और हाँ जी बी वाओ नेचुरली The next day. अभी बज रहे हैं जी 7:50 और आज जो है सुबह ही उठ गए थे, सुबह मतलब कि 7 बजे उठ गए थे, वो भी जिया ने जबरदस्ती उठा दिया था। क्योंकि होता क्या है जी 4-5 बजे के करीब जो है नींद खुल जाती है, फिर सोचते हैं 1 घंटा सो जाते हैं, फिर 1 घंटा सोने में जब वही 2-3 घंटा हो जाता है। और बाकी किचन से आ रही बहुत ही अच्छी खुशबू, तो देखते हैं किचन में क्या बन रहा है। ओहो हो आज बन रहा है जी बेसन का पकौड़ी, हम लोग ने बड़ी बोलते हैं, बड़ी बेसन का बड़ी मेरी माँ बनाती थी। हाँ खासकर मेरा बड़ा बेटा बहुत पसंद है, बचपन से नानी के पास रहा है, नानी हमेशा ही बनाए, उसी के आधार पर हम लोग भी बना रहे हैं। बिल्कुल जी, तो कढ़ी बड़ी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और जिया निकाल चुकी है खाने के लिए।
तो जिया तो अपना ब्रश कर ली है जी, हम भी से जा करके जल्दी से कर लेते हैं, एक दो पकौड़ी हलवी मैंने खाने का। तो अभी बज रहे हैं जी, कितने बज रहे हैं? 10 बज रहे हैं। और 10 बजे तक बाबू का 2 बार मसाज हो चुका है, एक बार और मसाज होगा, 12 बजे होगा। उसके बाद एक बार फिर नहाने जाएगा। इसको रिटेशन हो रहा है, इसको घूमना है, रिटेशन नहीं हो रहा है, ये गुस्सा कर रहा है कि कोई मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, तुमसे ही बात करेंगे। तो आप काम कर रहे थे, बात क्यों नहीं कर रहे थे? पापा काम करेंगे, आपसे बात करेंगे। घुमा दे, घूमी घूमी करना है आपको। इस नाम पे चुप, इस नाम पे चुप। तो देख सकते हैं जी, हमारा बाबू यहाँ पर खेल रहा है हमारे साथ। आज ही हमने रूटीन बनाया था कि अपना काम और अपना यह जो बाबू को कुछ बैलेंस करके कैसे चलेंगे, लेकिन सारी रूटीन की जो है ऐसी की तैसी हो गई है। हाय हाय हाय। और अभी बज रहे हैं 11, ठीक है। 11 बजे तक हमारा कुछ 4 काम था, वो 4 काम की ऐसी की तैसी, बस एक काम हो रहा है ये। अब बताइए जी बाबू, हम आपके साथ खेलेगा और आपके साथ हंस के बात कर रहा है, तो बताइए बाबू पर ध्यान देंगे कि काम पर ध्यान देंगे? दोनों इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने एक भी काम नहीं छोड़ा है, अपना सारा काम। जिया ने सारा काम कर लिया है, क्योंकि मम्मी के साथ जो है बात ही नहीं करता है, सिर्फ पापा के साथ बात करता है ये। ओए होए होए, अभी हम यहाँ से उठ जाए तुरंत रोना स्टार्ट कर। जिया बेचारी कोशिश करती रह जाती है, चुप रहे होता है, फिर कहते हैं लीजिए इसको संभालिए आप। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है। हम जो बात करने लगे इधर उधर, नहीं सिर्फ तुमसे बात करेंगे, वहाँ बात नहीं करेंगे। अरे नहीं सिर्फ तुमसे बात करेंगे, आ जाओ। चलिए जी, बाबू का हो गया नहाया हुआ और बाबू हमारी बन गई लड़की, है ना? लड़की बन गई ना, लड़की बन गई है। क्रियांश कुमारी नाम रखेंगे, क्रियांश कुमारी। हाँ। क्रियांश कुमारी ठीक है, अच्छा नाम है ना? बोलो। हाँ। अच्छा नाम है ना, है ना? बोलो अच्छा नाम है। मैं तो लड़की ही आने वाला था, भगवान जी ने लड़का भेज दिया, तो मैं क्या करूं? बाबू का तो हो गया जी नहाया हुआ, अब हम लगते हैं अपने काम पर। अब जो है यहाँ से हम थोड़ा सा फ्री हो गए हैं, और इसके बाद आगे का जिम्मा जो है अपना जिया संभालेगी, इसकी दादी संभालेगी। तकली हमरा की पड़बा, कोनो लाभ हानि के, हमरा केवल एक भरोसा, वैद्यनाथ स्वामी के, हमरा केवल एक भरोसा, वासुकीनाथ स्वामी के। तो क्रियान सो गया है जी, अब चलते हैं बाहर जा करके खाना खा लेते हैं। तो माँ का खाना जी यहाँ पर लग चुका है, और यहाँ पर है आज कड़ी बड़ी, तो हमारा भी लग रहा है, जल्दी से बैठते हैं। दही बचा है क्या? हाँ, तो दही भी खा लें, वो भी सही। खाना लगाओ जी। अभी बज रहे हैं जी सुबह के 9:30, और बाबू का जो है लगभग सारा काम हो चुका है, क्योंकि सुबह उठते ही जो सबसे पहला काम होता है वो बाबू को लेकर के होता है, उसका मालिश, उसका भोजन, फिर उसके बाद जो है उसको सुलाना, ताकि जब वह सो जाता है फिर उसके बाद हमारा दिन का सारा काम स्टार्ट होता है। और आज आपको बता दीजिए, आज है सावन खीर, तो ऋतु का जो है पहला सावन खीर है, तो घर में एक छोटी सी पूजा भी है, तो बाकी आगे आपको माँ बताएगी डिटेल से। हम लोग के पूर्वज की परंपरा के अनुसार आरावन की अमावस्या को सावन खीर मनाया जाता है। जिस बेटा या बेटी किसी की नई शादी जब होती है, तो भगवान को खीर और पुआ से और फल मिठाई से पूजन किया जाता है, और अहिबाती को बुला करके दिया जाता है, और उस अहिबात का आशीर्वाद लिया जाता है। अच्छा, तो ऐसी बात है, तो उसको लेकर के कुछ खरीदारी भी करनी है, पूजा का कुछ सामान सब भी लाना है, तो चलते हैं। A few moments later. दूध, मैदा, चीनी, चावल 1 किलो, बाकी सब 1 किलो, चावल खीर वाला, चीनी, मैदा, चावल, दूध और रिफाइन। तो सारा सामान जो है आ गया है, कुछ सामान जो है मार्केट से लाना है, उसमें दूध सब निकालो सबसे पहले, नीचे में चीनी सब है, गिलाना वाले मैदा है, रिफाइन है, खीर वाला चावल है, रिफाइन मैदा तो पहले से लिखा, पहले स्थान था, इसलिए 1 किलो लिए। सूजी लाना, मैदा में सूजी देगा तब ना कड़ा होगा। अच्छा, 1 पैकेट सूजी। हाँ। तो यहाँ पर पुआ बनने की चल रही है जी तैयारी, तो जल्दी से ले आते हैं सूजी। मार्केट से कुछ और सामान भी लाना है, बस भगवान मौसम थोड़ा ठीक रखना, वरना तेज धूप रही तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। सूजी दे दीजिए 1/2 किलो, दाल भी दे दीजिए, ना लाए, इलायची भी 10 रुपया दे दीजिए। 1 महानुभाव से आपको मिलवाते हैं, जो पानी में जा करके सोते हैं, तो वो महानुभाव जो है ये देख सकते हैं, पानी में मजे में सो रहे हैं। ओ भाई साहब, पानी में कौन सोता है? ओहो। One hour later. अभी आए हुए हैं जी मोलू के यहाँ, और यहाँ से जो है केला का पत्ता लेकर के जाना है,
पूजा में जो है केले के पत्ते की भी जरूरत होगी। मोलू भी आया हुआ था वहाँ, वह जा रहा है एनसीसी कैंप में। मोलू को जरूरत थी एक ट्रॉली बैग की, क्योंकि वह जो अच्छा खासा सामान लेकर के जाता है, 10 दिन का लगभग कैंप है तो सामान तो अच्छा खासा रहेगा। अपने यहाँ था एक ट्रॉली तो वह ले लिया। अब उसके बाद यहाँ आए हुए हैं, केला का पत्ता तोड़ते हैं फिर निकलते हैं। अभी कुछ ऐसा नज़ारा है इधर का, उस समय तो आपने बरसात के समय देखा होगा, अभी धूप के समय कुछ ऐसा है। 20 minutes later. ये सारी खरीदारी तो हो गई, अब यहाँ से निकलने वाले हैं। निकलने से पहले सोचा थोड़ा सा नारियल पानी पी लिया। हमारा तो हो गया जी नारियल पानी खत्म, हमारे में पानी कम था। तुम्हारे में कैसा है? ठीक है। तो उसमें मलाई है तो मलाई खाना है। एक पैकेट काजू दीजिएगा 1.5 किलो और एक किशमिश। तो फाइनली जी पहुंच गए हैं घर और सारा सामान जो है लगभग आ चुका है यहाँ पर। और यहाँ पर भी देख रहे हैं बहुत सारा पुआ जो है तल चुका है और बाकी सब तलना बाकी है, तो वह सब तल रहा है और हम जा करके जो है स्नान कर लेते हैं। ये भी पुआ का ही है क्या? ये खीर है। ओके खीर है ये। हाँ मिठाई का डब्बा जो है हम लोग को लौटाना पड़ेगा, मिठाई का डब्बा, क्योंकि यहाँ जो है होलसेल से लेते आए। वो बोला कि हम लोग इतना खुदरा वाला काम भी नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि मोलू साथ में गया हुआ था तो उसको पहचानता था तो इसलिए दे दिया वो। तो उसका डब्बा जो है संभाल के रखना है, शाम तक में लौटा देना है।